वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं सुबह सुबह से। अच्छा वो देख लिया, करने वाला था वो, पेटी थोड़ी गई क्या? ये ले क्या? हाँ, यार ये 1 किलो फ्रूट निकाल दिए, 4 रोटी तो एक नीचे गिर गया, उसको भी लाएंगे अभी। अभी जाएंगे शोभा सिंह। दिवाली की सफाई हो चुकी है शुरू, किचन से स्टार्ट कर रही हूँ नाश्ता करके। मैंने कहा किचन की सफाई स्टार्ट करती हूँ, ऊपर ऊपर का डस्टिंग क्लीनिंग मैं कर दूंगी, फिर बाई आएगी तो उसके साथ मिलके फिर मैं कर लूंगी। मेरी बाई ने ना मेरे किचन का कबाड़ खाना बना दिया, कबाड़ खाना। मैं कुछ दिन नहीं आई ना किचन में साफ सफाई करने के लिए, तो ये हाल हो गया। पंखे साफ करो, मेरे सैनिक आ रहा है, पंखे सब साफ करा दूंगा। सैनिक आ रहा है, आ गया है मेरा सुपर चैम। आते ही उसको लगा दिया मैंने पंखे साफ करने पे, क्योंकि अपनी बस की बात तो है नहीं पंखे साफ करना। अब परसों आपने देखा ही था, मैंने बोला था किसी को पंखे साफ कर दो तो मुझसे झगड़ा कर रहे थे, इसे भी मैंने बोला रहने दो। अब इनसी आ गया, आज वो पंखे साफ कर रहा है। जाले कल मैंने निकाल ही दिए थे। क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है, मैं दिवाली की सफाई कर करके थक चुकी हूँ अकेले अकेले, क्योंकि कोई मेरे साथ मदद नहीं करवाता है। किसी को अगर बोलो ना कि हेल्प करवा दो तो मुझसे झगड़ा करते हैं, तो मैंने बोलना छोड़ दिया है। बड़ी मुश्किल से बच्चे आए थे तो एक से मैंने पंखा साफ करवा दिया, बाकी तो छोड़ दो। तो मैं काम कर करके बहुत थक चुकी थी, इसलिए मैंने कोई व्लॉगिंग करी नहीं। आज है धनतेरस, मैंने कहा थोड़ा सा आज शूट कर लेती हूँ धनतेरस का, देखते हैं क्या लेके आते हैं। वैसे तो कुछ लेके आना नहीं है मुझे कुछ खास, एक मेरी मिक्सी ख़राब हो रही है, मैं सोची मिक्सी लेके आ जाऊंगी एक। ये मैंने फिर से अपने दाने फोड़ दिए और मैंने उस पर फिर दवाई लगा दी है। मेरा कुछ काम नहीं रहता है जब मेरे फेस पे, जब मेरा फेस मुझे अच्छा लगता है ना तो उसमें कहीं भी छोटे छोटे से दाने दिखेंगे ना तो मेरे हाथ वो चुभने लगते हैं। अब मैं उनको फोड़ देती हूँ, फिर वो रेड हो जाते हैं, फिर वो काले हो जाते हैं, मैं दवाई लगा देती हूँ। मतलब मैं अपने फेस की बैंड में खुद बजा देती हूँ, मुझे अपना क्लियर फेस पसंद नहीं आता ना, तो मैं सोचती हूँ कोई ना कोई दाग धब्बा उस पर रहे, तो मैंने ये पिचका दिए, अभी काले हो चुके हैं वहाँ पे। और
मैं दवाई लगा ली उस पर। तो धनतेरस है, तो आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और कल दीपावली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि कल तो मैं ब्लॉग रिकॉर्ड करूंगी नहीं, तो मैं आज ही आप लोगों को दिवाली की भी शुभकामनाएं दे देती हूँ, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से। मेरे परिवार वाले तो आप लोगों के सामने आएंगे नहीं, ठीक है, उन लोगों को बहुत एटीट्यूड है, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है उनके अंदर। अभी मेरा एक रूम रह गया, मेरा बैठक रह गया, वो नहीं मैंने साफ़ किया अभी तक, क्योंकि वहाँ से पर्दे वर्दे निकलेंगे, पर्दे मुझसे निकाले नहीं जाएंगे, ऊपर इतना चढ़ना पड़ेगा। अब देखती हूँ कौन निकालेगा, कौन क्या निकालेगा, मेरा बेटा निकालेगा, बाकी तो किसी से कोई मुझे उम्मीद है नहीं है। एक मेरा बेटा है वो मेरा काम करता है, बाकी तो मुझे किसी से उम्मीद नहीं है। ये देखो हमारे घर में काम का एक लड़का है, वो चाय बना रहा है, और ये देखो ये मस्ती कर रही है। लोगों के घर में लड़कियां काम करती है ना, ये देखो इतनी बदतमीज लड़की है ना, ये बिल्कुल काम नहीं, हाथ नहीं उठाती है काम में। देखो मेरा लड़का देखो चाय बना रहा है, सारे काम वो करता है, पंखे साफ किए, अभी चाय बना रहा है। पापा आ रही है, दोनों के दोनों काम छोड़ो एक नंबर के, ये काम से बचते हैं, इनको काम के लिए बताया जाए तो झगड़ा करते हैं दोनों के दोनों। पहचान लो इसकी शक्ल अच्छी तरह से, काम चोर नंबर वन विभा, जिसके निकले हैं सिंह। इस घर की तो सुंदर लड़की हूँ। आप लोग ना कमेंट करके बताना है किसकी शक्ल पे गई है, ठीक है। चल और ये विवाह भी चला रही है। गाइस मैं बीमार हूँ, इसलिए मेरे व्लॉग्स भी नहीं आ रहे हैं, मैं बीमार हो गई हूँ इसलिए मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मैं बीमार हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, देख लीजिए मेरी हालत। ये माचिस लेके आ गई हैं, यहीं जलाएगी। पापा ने बत्ती इतनी मोटी बना रखी है कसम से, बिल्कुल नहीं जल रहे वो, बिल्कुल भी नहीं। हम क्या करें, लाइटर ला। आलू बम लग रही है, आलू रखे तो भी आलू